गौवंशीय पशुओं को आसरा देने के लिए जहां सरकार अपना काम कर रही है तो वहीं समाजसेवी संगठन भी अपना काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पागबड़ा क्षेत्र में आवारा घूम रहे गौवंशीय पशुओं को संरक्षण देने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य को किया जा रहा है। दिल्ली रोड नया मुरादाबाद के स्थानीय निवासी गौरव राणा कहते हैं, इन दिनों सर्दी पड़ रही है और गौवंश पशु खुले में रहने को मजबूर है। सरकार को चाहिए उनके संरक्षण को लेकर एक स्थान पागबड़ा नया मुरादाबाद में चिन्हित किया जाए ताकि आवारा और बेसहारा गौवंशीय पशुओं को ठिकाना मिल सके। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन कोई ऐसी खबर ना सुनने को मिलती हो, वहाँ पर गौवंश पशु टकराने से कोई हादसा हो गया या फिर गौवंश पशु नाले में गिरकर चोटिल हो रहे होते हैं। आज भी एक गौवंश पशु को घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पर प्रमोद राणा और उनकी टीम द्वारा पागबड़ा के स्थानीय पशु चिकित्सकों को बुलाकर उसका इलाज कराया गया। हमारे संवाददाता ने जब गौ रक्षक दल के प्रमोद राणा से बात की तब उन्होंने बताया, नया मुरादाबाद में तो इसके लिए जो आप गौ रक्षा देखते हो उसके लिए क्या मतलब क्या अभी तक प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? जो नया मुरादाबाद में बेसहारा गौवंश घूम रहा है, नया मुरादाबाद जो है नगर पंचायत पागबड़ा की हद में आता है। इधर नगर निगम से अगर हम बात करते हैं तो नगर निगम वाले मना कर देते हैं कि हमारी हद जो है गांगन तक है, तो यहाँ पर गौवंश के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौवंश चोटिल हो रहा है, उस कई एक्सीडेंटों में लोग भी चोटिल हुए हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। मोदी जी योगी जी ने जो गौवंश के लिए इतना संरक्षण देने के लिए कहा है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन के लोग और प्रशासन के लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोकल के अधिकारी जो है गौवंश पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और गौवंश के साथ में प्रतिदिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। क्या मांग रहेगी आपकी? मेरी ये मांग है कि नगर पंचायत पागबड़ा में 12 बीघे में शासन को रिपोर्ट गई है गौशाला के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी आश्रय केंद्र नहीं बना है, अस्थाई कोई भी केंद्र इन्होंने नहीं बनाया है। और पागबड़ा के जो अधिशासी अधिकारी हैं और नगर पंचायत पागबड़ा के जो चेयरमैन हैं उनसे कई बार वार्ता करने पर भी उन्होंने गौवंश के इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ का संज्ञान लें, यहाँ पर निरीक्षण करें और जो बेसहारा गौवंश सड़कों पर या जो बस्तियों में घूम रहा है उसका एक निस्तारण हो।